लास्ट लेक्चर दैट मीन्स कल के लेक्चर्स में हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझा हुआ था, जो बेसिक ब्रैकेट्स जो होते हैं और वहां पे जो लाइन ब्रैकेट होता है, छोटा ब्रैकेट होता है, मिडिल ब्रैकेट और सबसे बड़ा ब्रैकेट, इन सब के बारे में देखते हुए हम लोगों ने जो बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने समझा हुआ था कि सबसे पहले कौन से ऑपरेशंस को हम लोग अप्लाई करेंगे। आज के सेशन में जैसा कि हम लोग यूपीटेट के बारे में बात कर रहे हैं और यूपीटेट के सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ, और कुछ उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे और जो एग्जांपल्स होंगे उनको भी समझेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, आज हम लोग दशमलव और भिन्न इन दोनों क्या करेंगे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि जितना भी सेशन हम लोगों का चलेगा उसमें हम लोग इन दोनों के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कंप्लीट करेंगे आज। ठीक, तो सबसे पहले एक ये दशमलव डेसिमल नंबर होती है, ये इसको इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं। ठीक, और इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इन दोनों को आज हम लोग क्या करेंगे कवर करने की पूरी कोशिश है कि इनको खत्म कर दें। तो सबसे पहले हम लोग भिन्न के बारे में बात करते हैं। भिन्न क्या होती है? फ्रैक्शन ठीक, इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं भिन्न। ठीक, जो भिन्न होती है एक होता है टर्म रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर। ठीक, जिसको इंग्लिश में हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अच्छा पढ़ा रहे हैं। परिमेय संख्या बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक, हिंदी में परिमेय संख्या और अंग्रेजी में रेशनल नंबर। अब इसी रेशनल नंबर से ही क्या है जनरेशन हुआ है फ्रैक्शन का। जो फ्रैक्शन होती है वो क्या है इसी से ही बनकर के तैयार हुई है, परिमेय संख्या से ही। अब परिमेय संख्या होती क्या है थोड़ा सा हम लोग ये थोड़ा सा देखेंगे, तुरंत भिन्न को स्टार्ट कर देंगे। परिमेय संख्या ठीक, जो परिमेय संख्या होती है वो a अपान b के रूप में होती है। a अपान b कोई कोई बोल देता है, कोई कोई p अपान q बोल देता है इस तरीके से, और कोई कोई r अपान s भी बोल देता है। इनमें से कुछ भी ऊपर कुछ लिखा हो और कुछ नीचे लिखा हो। ठीक, अब यहाँ पे क्या है ये दोनों की दोनों जो होंगी यहाँ पे a और b, अगर यहाँ पे पहले वाले को हम सेलेक्ट करते हैं तो a और b क्या है, ए और बी क्या है, ए और बी पूर्णांक है। ठीक, क्या है ए और बी पूर्णांक है। चूंकि जीरो भी पूर्णांक होता है तो यहां पे पूर्णांक तो है ही, लेकिन जो है बी यहां पे कंडीशन लगा दी गई है कि जो बी की वैल्यू जीरो नहीं होगी। ठीक, क्योंकि अगर नीचे बी अगर आ जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, और उस अगर जीरो भी आता है तो एक वन अपॉन जीरो, दो टू अपॉन जीरो, थ्री अपॉन जीरो, तो उसको एक स्पेशल नोटेशन के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं अनंत। ठीक, अगर इस तरीके से कुछ भी लिखा हुआ समथिंग लाइक दिस, अगर ऊपर हमने ए लिख दिया है और नीचे अगर हम लोगों ने जीरो लिख दिया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम लोग इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं इन्फिनिटी, जिसको हिंदी में अनंत बोलते हैं। और अनंत बोलते हैं, अनंत क्या है एक इनडिटर्मिनेशन फॉर्म है। ठीक, उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, इसलिए क्या कर सकते हैं कि ऊपर भी पूर्णांक रहेगा नीचे भी पूर्णांक रहेगा, बशर्ते नीचे जीरो वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक, इतना अपने दिमाग में सेट कर लेना अभी फिलहाल, क्योंकि इतना डीप में डिस्क्रिप्शन करना जरूरी नहीं है और समय का लॉस होगा और टाइम भी अभी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ए अपॉन बी के रूप में रहेगा, ए और बी दोनों पूर्णांक होंगे और बी की वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे कि जितने भी इंटीजर्स हैं फुली इंटीजर्स हैं,
दो है, थ्री है, फोर है, इधर अगर इस तरीके से निगेटिव ले आते हैं तो वो भी, और उसके साथ साथ जीरो भी। अगर कोई पूछता है कि जीरो एक परिमेय संख्या है, यस जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है। अंश में हो, ऊपर एक ही जगह पे जीरो हो जाए लेकिन बी की जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो क्या है। अगर क्वेश्चन आता है कि क्या जीरो शून्य एक पूर्णांक परिमेय संख्या है, तो यस जो दो है टू इज द रेशनल नंबर। ओके, तो इस तरीके से जितनी भी नेचुरल नंबर हैं, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे कोई भी हो, वो सबके सब क्या है, एक रेशनल नंबर को फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है भिन्न। भिन्न में कंडीशन ये होगी, भिन्न में ऊपर भी कुछ ना कुछ होगा, नीचे भी कुछ ना कुछ होगा। जैसे यहाँ पे टू है, तो टू क्या है, एक नेचुरल नंबर है लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है। ठीक, फ्रैक्शन मतलब होता है उसको डिवाइड करना। अंश और हर में यानी कोई भी नंबर हो, कोई भी चीज हो, कोई भी पार्ट, कोई भी नंबर हो या कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह हो, उसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं, पार्टीशन उसके करते हैं, तो क्या बनकर के तैयार होती है, वो फ्रैक्शन बनकर के तैयार होती है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भिन्न के बारे में। अगर हम लोग यानी कि अगर हमने कोई, अब यहाँ पे हम लोग रेशनल नंबर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे परिमेय संख्या के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग भिन्न के बारे में बात कर रहे हैं। तो सपोज दैट अगर हमने यहाँ पे लिखा है ये, ठीक, हमेशा एक एक होती है इवन फ्रैक्शन होती है, एक ऑड फ्रैक्शन होती है। ठीक, एक सम भिन्न होती है, एक विषम भिन्न होती है। तो जो विषम भिन्न होती है, विषम भिन्न में होता क्या है कि यहाँ पे अंश की वैल्यू हर से ज्यादा होती है। ठीक, जो जिसको बोलते हैं ना, एक आइडियल जो फ्रैक्शंस होगी, जो आइडियल फ्रैक्शन होगी, उसमें इसकी वैल्यू जो अंश होगा, दैट मीन्स जो हर होगा, हर की वैल्यू जो होगी वो अंश से ज्यादा होगी। ये हमेशा याद रखना, इसी को हम लोग बोलते हैं आदर्श भिन्न बोलते हैं। तो इस चीज को याद रखना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि तीन बटे चार अगर लिखा हुआ है तो किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। सपोज दैट थ्री बाई फोर लिखा है, और थ्री बाई फोर में अगर थ्री बाई फोर लिखा है, इसके करिस्पॉन्डिंग इसकी संगत भिन्न क्या होगी। ठीक, तो संगत भिन्न बहुत सारी हो सकती है। अगर ये भिन्न लिखी हुई है तो इस तीन बटे चार के संगत भिन्न कौन होगी। किसी भी, कोई भी अगर फ्रैक्शन गिवन है, कोई भी भिन्न दी है, उसके संगत भिन्न अगर हमको निकालना है, तो क्या करेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो उसमें क्या करेंगे, अंश और हर में चाहे जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सेम नंबर होनी चाहिए। ठीक, अगर हमारे पास थ्री बाई फोर लिखा हुआ है और हमने क्या किया, एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो यानी कहने मतलब ये है, यहाँ पे 3x/4x थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन कहने मतलब ये है, अगर x की वैल्यू को अगर हम लोग 1, 2, 3 अगर पुटअप कर दें, तो कितना हो जाएगा, 3 by 4 multiplied by 1 multiplied by 1 and 3 by 4 multiplied by 2 multiplied by 2 and 3 by 4 multiplied by 3 and multiplied by 3। कहने मतलब इस तरीके से 3/4, 3 × 6/8, 3 × 9/12, इस तरीके से सिमिलर लाइक दिस, ये सबके सब क्या है, इसके संगत फ्रैक्शन है, दैट मीन्स करिस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन है। कहने मतलब ये है कि संगत भिन्न है। ठीक, एक तो ये चीज ये हो गया। अब इसके अलावा क्या क्या आ सकता है, दो भिन्न दी हुई होंगी, उन दोनों भिन्नों को कंपेयर करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। ठीक, अगर सपोज दैट अगर हमने, अगर यहां पे मैं दो भिन्न लिखता हूं, एक मैंने लिखा कि एक लिखा हुआ है 3/8 लिखा हुआ है, ठीक, 3/4 मैंने एक लिख दिया है, और दूसरी मैंने लिखी हुई 5/4, इस तरीके से देख लीजिएगा 5/4। जब दोनों भिन्न के हर बराबर हों, ये याद रखिएगा, जब दोनों फ्रैक्शंस दी हों, गिवन हों, उन दोनों के क्या है, हर बराबर हों। ठीक, और अंश, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, वो भिन्न क्या है, बड़ी होगी। इसका देख करके हम लोग पता कर सकते हैं 5/4 > 3/4। ठीक, एक तो ये हो गया। अब क्या है कि अगर अब यहाँ पे जैसे मैं लेता हूं कि एक तो कंडीशन यहां से हो गई कि जब अगर उनके हर बराबर हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो अंश जिसका ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, हम बड़ी फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे मैं जैसे ले लूं कि मैंने ले लिया 5/6 लिया, ठीक, और दूसरी नंबर मैंने ले लिया 3/4 ले लिया, ठीक, 3/4 ले दी, यानी कहने मतलब कोई भी कंडीशन नहीं है, यहाँ पे इनके हर बराबर दिख रहे हैं,
तो हम लोग करते क्या है, इन दोनों का लासा ले लेते, दोनों दोनों के जो हर है डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लेंगे। तो चार और छह का जो एलसीएम आएगा यानी कि लासा जो होगा, लासा फोर एंड सिक्स का वो कितना होगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक, फोर और सिक्स का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 12 बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर भी 12 बनाने की कोशिश करेंगे, इस जगह पर भी 12 बनाएंगे, इस जगह भी। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, यहाँ पे किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 5 दूनी 10 बटे 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 तरह का 9 बटे 12 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से। तो जब हर बराबर हो जाएंगे तो हम लोग वहां पे देख करके बता सकते हैं कि ये वाली जो भिन्न होगी 10 बटे 12 क्या होगी, इससे बड़ी होगी। ठीक, अब एग्जाम में वहां पे कैसे किया जाए कि हमें ये एलसीएम ना निकालना पड़े, तो उसको भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, क्योंकि मैं एलसीएम का एक पार्ट कराऊंगा भी, तो आप लोग परेशान ना होइएगा। जैसे मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे 5/6 मैंने लिखा था, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। और फिर दूसरी नंबर मैंने लिखी हुई थी कि 3/4 लिखी थी। ठीक, तो एक तो तरीका है कि अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग भाग करें तो यहाँ पे कितना आएगा, 6/8 48, दशमलव में जाएगा 6/8 48, और बचेगा कितना, 2 बचेगा। ठीक, और 6 3 18, तो यहाँ से 0.83 आया। यहाँ में भाग करें कितना आ जाएगा, 4 7 28 आ जाएगा। ठीक, 4 7 28, 2 बचेगा, और 4 5 20, तो कहने मतलब 75 यहाँ पे आया, 0.75, यहाँ पे 0.83 आया। तो इससे ये क्लियर होता है 0.83 जो है 0.75 से बड़ी संख्या है। तो इस तरीके से भी आप लोग भाग करके दशमलव में संख्या को लिख करके वहां से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो दशमलव का पोर्शन बहुत ज्यादा नहीं था, मेन पोर्शन है यहाँ पे फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन को कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे, उसे आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लगाना है, तो उसको भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि आरोही क्रम क्या होता है, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 1/2 लिखा हुआ है, और 1 यहाँ पे मैंने लिख दिया है, 2/3 लिखा हुआ है, और 1 मैंने लिख दिया 4/5। ठीक, ये संख्याएं इस तरीके से मैंने लिख दी हैं। अब इनको क्या करना है, क्रम में, सीक्वेंस में लगाना है, यानी कौन सा सीक्वेंस है, आरोही क्रम में। ठीक, आरोही क्रम में इनको लगाना है। ये भी पूछ सकता है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे, तो वहां पे आरोही क्रम ही लिखा रहेगा शुद्ध हिंदी में, तो परेशान होने की बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा, 2 3 5 सबके सब क्या है, अपरिचित है, तो क्या करेंगे हम लोग, या तो भाग कर दे इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया था, 2 से भाग करते हैं 0.5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और उसके अलावा यहाँ पे इससे भाग करेंगे 5 6 18.6 के आसपास आ जाएगा, इससे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.548 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से इतना देख सकते हैं। तो कहने मतलब ये है कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या है, 0.8 है, फिर उसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये। तो अगर हम लोग सीरियल से, अब यहाँ पे क्या है, सीरियल से ही लिखा ही है, अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या, इंक्रीज करना धीरे 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 धीरे। यानी कहने का मतलब यह है, जब छत पर चढ़ते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, जब छत से उतरते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। एक तो ये तरीका हो गया। अब उसके अलावा अगर हम इसको एलसीएम से ले लें तो 2 3 5 2 3 5, एक चीज यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा बताऊंगा, तुरंत बता देता हूं कि 2 3 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, ये सबकी सब क्या है, अभाज्य संख्या है, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, अभाज्य संख्या। ठीक, और इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होती है, अ नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय वन एंड इटसेल्फ। ठीक, कोई भी ऐसी संख्या जो केवल एक, जो केवल एक और स्वयं, ठीक, जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक, इतनी बात समझ गए, कोई भी नंबर, कोई भी एनी नंबर, कोई भी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब यहां पर जो मेन इंटेंशन जो मैं बताने जा रहा था, जितनी भी संख्याएं हो अगर आप उनका लासा निकालना है, अगर वो संख्याएं अभाज्य हो, वो क्या हो, अभाज्य संख्याएं हो, तो उनका जो लासा होगा उनका गुणा होता है। ठीक, किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम लासा होगा वो क्या होगा, उनका मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पे 2 3 6 का लासा कितना होगा, 3 2 6 6 5 30 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो इनका लासा आएगा
कितना आ जाएगा, 56 30 आ जाएगा। अब हमको 30 30 बनाना है, एक बटा दो, दो दो लिख देते हैं और यहाँ पे 4/5। ठीक, यहाँ पे 30 बनाने का मतलब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, यहाँ पे 30 बनाने का मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 30 बनाने का मतलब ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 15 एकम 15 बटे 30, 10 दूनी 20 बटे 30, 4 24 बटे 30। ठीक, ये इस तरीके से आ गई हैं। अब मैंने बताया था कि अगर भिन्न का कंपेयर करना है और भिन्न का कंपेयर करना है और उनके हर बराबर हैं, डिनोमिनेटर अगर इक्वल हैं तो क्या होगा, जो जिस संख्या का अंश सबसे बड़ा होगा वो संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये इससे छोटी है, ठीक, ये इससे छोटी है और ये इससे छोटी है, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर दैट मीन्स सबसे छोटे से उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, इस तरीके से उसे अरेंज करना है। ओके, तो इस तरीके से मेन मेन तो बातें हो ही गई हैं, कुछ और लॉज होते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक नियम हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर कोई भी दो फ्रैक्शन दी हुई है, मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ पे सपोज दैट कि अगर एक भिन्न दी हुई है एक ए बटे बी और दूसरी दी हुई है, ठीक, पी अपॉन क्यू, अगर इनका क्या करना है, लासा निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एक इक्वेशन भी बन सकता है। तो एलसीएम निकालने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, तो क्या होगा, लासा निकालेंगे किसका, ए और बी का, सॉरी ए और पी का, और मासा निकालेंगे बी और क्यू का। ठीक, इतनी बात ध्यान में सुनना, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूं 1/2 और कितना लिखा है 3/4। ठीक, 1/2 और 3/4 इनका क्या करना है, हमको लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, ऊपर हम लासा निकालेंगे, लासा किसका, 1 और 3 का, और नीचे मासा निकालेंगे 2 और 4 का। तो लासा कितना आएगा, 3 एकम 3, मासा कितना आएगा, 2 आएगा, तो 3/2 ये आंसर आ जाएगा। ये पूरी पूरी भिन्न जो होगी, इस भिन्न का जो लासा होगा 3/2 होगा। ठीक, अब यहाँ पे मासा की कहानी थोड़ा सा उससे उल्टी है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। जो लासा होता है, एलसीएम होता है, उसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो मासा होता है उसको बोलते हैं HCF या GCD बोलते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक, लासा में लघुत्तम समापवर्त्य होता है और मासा में क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। इतनी बात ध्यान सुनिएगा, मैं इसको साफ साफ लिख देता हूं। LCM, तो यहां पे LCM फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, और इसको बोलते हैं हिंदी में, शॉर्टकट में, लासा। लासा का मतलब है लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक, और ये समापवर्त्य किससे मिलकर के बना हुआ है, समान अपवर्त्य, समान अपवर्त्य। ठीक, अपवर्त्य को हम लोग गुणज भी बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं ये। ठीक, अब बात करते हैं वो अपवर्त्य होते क्या हैं, अपवर्त्य क्या होते हैं, किसी भी संख्या का जो अपवर्त्य होता है उसी का पहाड़ा होता है। जैसे 4 का अपवर्त्य लिखना है, ठीक, 4 के अपवर्त्य लिखने हैं तो क्या हो जाएंगे, 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20 एंड सो ऑन। ठीक, जरूरी नहीं कि 40 पे ही रुक जाए, आगे 44 है, 48 है, 52 है, 56 है, 60, इस तरीके से पूरा उसका काम चलता जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गए अपवर्त्य, तो ये तो समझ में आया ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग अगर और उत्सुकता अगर जाती है तो आप लोग और बताइए, क्योंकि पूछने से कन्वर्सेशन दोनों तरफ से होता है तो चीजें ज्यादा उठ करके आती हैं। ठीक, लेकिन फिर भी कोशिश ये की जाती है, सोच सोच के मैं कहीं कोई चीज भूल तो नहीं रहा हूं, तो वो सब चीजों को क्या करता, भूलने मतलब यह है कोई चीज छूट तो नहीं रही है। ठीक, अब यहाँ पे मासा का मतलब क्या होता है उसको भी देख लीजिएगा।
मासा का मतलब होता है महत्तम, महत्तम महत्तम समाप वर्तक होता है। ठीक, अब इसकी इंग्लिश देखिएगा, एक तो इंग्लिश ये होता है SCF होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक होती GCD, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक, तो यहां पे जो डिवाइजर है और जो फैक्टर है उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तक। ठीक, अपवर्तक क्या होता है, जैसे सपोज दैट हमारे पास यहां पे लिखा है 12, मेरी बात ध्यान सुनना, 12 के जो अपवर्तक होंगे, कहने मतलब ऑल दोस नंबर, वे सभी संख्याएं 12 के अपवर्तक होंगी जो 12 को पूरी तरीके से पूरा पूरा डिवाइड कर दें। तो कहने मतलब एक तो एक हो जाएगी, एक भी 12 को पूरी पूरा पूरा डिवाइड कर देगी, इसके बाद दो होगी ये भी 12 को डिवाइड कर देगी, तीन होगी ये भी, चार होगी ये भी, छह होगी ये भी, 12 होगी ये भी। ठीक, प्रत्येक संख्या खुद का भाजक होती है, खुद का फैक्टर होती, खुद का डिवाइजर होती, एवरी नंबर इज द डिवाइजर ऑफ इटसेल्फ। ठीक, समझ में आए, और इसी तरीके से मल्टीपल में भी एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, जैसे चार का मल्टीपल निकालना, 4, 8, 12 इस तरीके से। ठीक, तो ये है हमारा, आई थिंक अब ये समझ में आ गया होगा कि अपवर्तक क्या होता है। मासा की बात करते हैं, मासा क्या होती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को क्या करे, दी हुई संख्याओं को, वहां पे लासा में क्या था, दी हुई संख्याओं से, तो जो लासा निकल करके आता है वो क्या होती है, जितनी भी संख्या होती है उनके बराबर या उनसे बड़ी होती है। ठीक, और जो मासा होती है, जितनी भी संख्या होती है उनके बराबर या उनसे छोटी होती है। जो भाग करने वाला होगा वो क्या है, छोटा या बराबर होगा, और जिसमें भाग करना है वो क्या होगा, वो बड़ा या बराबर होगा। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, तो दिमाग में हमेशा ये रखिएगा, जो मासा होगा तो बहुत बड़ा नहीं होगा संख्याओं से, वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। जैसे हम यहां पे बात किए थे कि 2 और 4 को, मेरी बात ध्यान सुनना, तो यहां पे अब मैं थोड़ा सा बताता हूं कि 2 और 4, तो 2 और ये 4, तो 2 के अपवर्तक लिखिएगा, तो 2 के अपवर्तक कौन कौन से होंगे, 1 और 2 होगा, 4 के अपवर्तक लिखिएगा तो 1 होगा 2 होगा 4 होगा। अब यहाँ पे कॉमन, जो जब यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर होंगे, यानी जिसको बोलते हैं CF, ठीक, CF कौन कौन से होंगे, 1 होगा 2 होगा। ठीक, अब इन CF में से जो सबसे बड़ा होगा वो क्या है, मासा होगा, कौन होगा, 2, तो 4 और 2 का क्या होगा, मासा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे बात की जाए कि 4 और 6 की, ठीक, 4 और 6 का मासा क्या होगा, तो 4 का जो कॉमन फैक्टर होगा 1 होगा 2 होगा 4 होगा। यहाँ पे 6 का कॉमन फैक्टर लेंगे तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा 6 होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, कॉमन फैक्टर कौन कौन से बनने हैं, 2, तो यहाँ कहने मतलब 4 और 6 का भी मासा कितना होगा, 2 होगा। ठीक, अब मैं जैसे यहाँ पे ले रहा हूँ, मैंने ले लिया 16 और ये ले लिया मैंने 24। ठीक, इन दोनों का मासा कितना होगा, तो 16 का मासा अगर हम लोग निकालेंगे तो 1 होगा 2 होगा 4 होगा 8 होगा 16 हो जाएगा। ठीक, अब 24 का अगर हम लोग जो कॉमन फैक्टर, जो फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा 12 होगा और 24 होगा। अब इन दोनों में कॉमन कौन कौन से मिल रहे हैं, तो कॉमन जो मिलने वाले हैं 1 है 2 है 4 है। ठीक, तो यहाँ पे इतने हैं कॉमन, तो यहाँ पे इनका जो मासा होगा वो 4 होगा मासा। ठीक, ये चीज यहाँ पे, सॉरी 4 नहीं होगा, एक और आ रहा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, 8 भी है ना, तो यहाँ पे 8, तो यहाँ पे जो मासा होगा कितना हो जाएगा, 8 मासा हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक, अगर कोई भिन्न दी हुई है, जैसे सपोज दैट अगर लिखा हुआ है 2/6, 2/5, ठीक, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है 3/7, ठीक, 2/5 और 3/7, ये 2 संख्याएं लिखी हुई है, इनका मासा निकालना। इससे पहले हम लोगों ने लासा देखा था, इनका क्या निकालना, मासा निकालना। तो क्या करेंगे, मासा किसका निकालेंगे, 2 और 3 का, और फिर लासा 5/7 का।
अब हमेशा यहाँ पे ये याद रखिएगा कि अगर कोई भी दो प्राइम नंबर, दो कोई भी दो अभाज्य संख्या दी हुई है, अगर उनका मासा निकालना है तो हमेशा एक आएगा, ठीक। कितना आएगा? मासा एक आएगा, ठीक। अब मैंने ये भी कहा था अगर दो अभाज्य संख्या दी हुई उनका लासा अगर निकालना है तो उनका गुणा आएगा, तो 535, ठीक। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दशमलव संख्या के बारे में, क्योंकि बस भिन्न में इससे आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक। बहुत ज्यादा भिन्न को क्या कर सकते, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भिन्न में। जैसे कि लिखा है 3/5 और भाग का निशान लगा हुआ है 7/11 मान लो, या 7/11 नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि 21/20 ये लिखा है, ठीक। 21/20 उल्टा कर देते हैं, चलो ये भी लिखी हुई है, लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करना, कोई भी दो भिन्न अगर भाग में लिखी हो तो क्या करेंगे, पहली वाली भिन्न को हम वैसे के वैसा लिख देते हैं और गुणा का निशान लगाएंगे, दूसरी वाली भिन्न क्या करेंगे पलट के लिख देंगे। तो यहाँ से 5/20 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 3/21 हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा यहाँ पे 4/7 आ जाएगा, ठीक। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, कोई भी दो भिन्न अगर भाग में लिखी हुई है तो पहली वाली भिन्न को एज इट इज रखेंगे, दूसरी वाली भिन्न गुणा करके उसका अंश हर में, हर को अंश में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। दशमलव संख्या, तो यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि दशमलव संख्या को, जैसे अगर कोई भी दशमलव लिखी हुई है, दशमलव संख्या को वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में आ सकता है कि दो दशमलव संख्याओं को गुणा करना है, दो दशमलव संख्याओं को भाग करना है, और किन्हीं भी 4-5 दशमलव की संख्या लिखी हुई तो उनको जोड़ेंगे कैसे, ठीक। जैसे हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं, अगर एक संख्या ये लिखी हुई है, लिखा है 0.5, ठीक, एंड प्लस 0.05 एंड प्लस 0.005 एंड प्लस 0.005, इस तरीके से संख्या दे दी गई है, उसको जोड़ना है। तो जोड़ने का मतलब ये है कि सबसे पहले पहचानना ये है कि ये सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ध्यान में रखिएगा कि दशमलव के बाद जितने ज्यादा जीरो बढ़ा करके संख्या लिखी होगी वो उतनी ही छोटी होगी, ठीक, समझ में आया। क्योंकि ये वाली जो संख्या है ये, इसका मतलब है कि अगर दशमलव हटाते हैं तो नीचे कितना आता है, दशमलव हटाया हमने तो यहाँ पे एक अंक आया, यहाँ पे इसको हटाया तो यहाँ पे दो अंक बाद दशमलव लगा था तो 2 जीरो आए, 1, 2, 3 लिखे हुए हैं इसलिए दशमलव के बाद 3 जीरो आएगा। अब यहाँ पे 4 जीरो लिखे हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 अंक बाद दशमलव लगा हुआ इकाई से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये अब ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, कहने मतलब ये पहला वाला क्या लिखा हुआ 5/10, दूसरा वाला क्या लिखा हुआ 5/100, तीसरा वाला क्या लिखा है 5/1000, ये क्या लिखा हुआ 5/10000, ठीक। तो अब इनको जोड़ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसका मतलब ये है कि जो पहले संख्या लिखी हुई थी वही ठीक थी, ठीक है। ठीक, इसको हटा देते हैं। अब कैसे जोड़ेंगे, कहने मतलब ये वाली सबसे छोटी है, ये वाली उससे बड़ी है, ये वाली उससे बड़ी, और सबसे बड़ी 0.5 है। कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 0.5, अब यहाँ पे 0.5 लिखने के बाद, ठीक, अब यहाँ पे लास्ट वाले में एक, यानी दशमलव के बाद कितना लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, ठीक। तो इसके बाद हम चाहे तो जितने जीरो चाहे तो बढ़ा सकते हैं, तो लास्ट में शेयर कर देंगे। अब उससे बड़ी यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दशमलव तो लिखा ही है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.5 लिख देंगे, उसके बाद इसको लिख देंगे 0.05 लिख देंगे, उसके बाद 0.0005 लिख देंगे, ठीक, इस लास्ट वाले को साफ कर देंगे। तो कहने मतलब ये है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और अब यहाँ पे करने मतलब ये है कि इसके आगे भी हम 0 सेट कर देंगे, इसके आगे भी 0 सेट कर देंगे, इस तरीके से जोड़ देंगे, बहुत सिंपल है। अगर एक क्वेश्चन समझ जाएंगे तो उस तरीके से सबको करना है। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ये आएगा आंसर 0.555। ऐसे करना है, ध्यान से करना है, जो नहीं कि हर जगह सेम ही सेम हो सकता है दूसरी जगह पे डिफरेंट हो और भी संख्या लिखी हो, तो इस तरीके से करना है, ठीक। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब उसके बाद अगर दशमलव में गुणा करना हो किन्हीं भी दो संख्याओं का, मान चलते हैं
दशमलव पांच लिखा है और ये एक संख्या लिखी है दशमलव तीन। तो इन दोनों को गुणा अगर हम लोग करते हैं, सबसे पहले पांच और तीन को गुणा कर दो आराम से, पांच तीन पंद्रह। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला ये है कि इधर एक अंक बाद लगा हुआ दशमलव, इधर एक अंक बाद दशमलव लगा है, दोनों को जोड़ दिया टोटल हो गया दो। इकाई की तरफ से दो अंक बाद दशमलव लगाना है तो एक दो, तो यहाँ पे दशमलव लगेगा, उससे पहले जीरो लिख देंगे तो ये आ जाएगा दशमलव पंद्रह। ठीक, दशमलव पंद्रह नहीं पढ़ते हैं, दशमलव एक पांच पढ़ते हैं। उसके आगे हम देखते हैं, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे लिखा है दशमलव जीरो तीन लिखा हुआ, गुणा करना है दशमलव जीरो एक से, तो करेंगे कि हम लोग एक और तीन को गुणा कर देंगे तो तीन एकम तीन आ जाएगा। अब यहाँ पे दो अंक बाद दशमलव लगा है, यहाँ पर भी दो अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, तो टोटल हो गए चार अंक हो गए, एक ये दो धोनी चार हो गए। वैसे गुणा नहीं करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, चार अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो एक तो है ही यहाँ पे, दूसरा करने के लिए जीरो खिलाएंगे, तीसरा करने के लिए जीरो खिलाएंगे, और यहाँ पे करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जीरो खिलाएंगे तो एक दो तीन चार, तो यहाँ दशमलव लगा दिया, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग गुणा करेंगे, और ऐसे क्या करेंगे हम लोग भाग भी करते हैं। तो भाग में करने मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ पे दशमलव पांच लिखा हुआ है, भाग करना है दशमलव छः से। ठीक, इसका मतलब ये है ऊपर दशमलव पांच होगा और नीचे दशमलव छः होगा, और दशमलव दशमलव कट जाएंगे। सपोज अगर यहाँ पे छः ना होता, दशमलव जीरो छः होता, तब क्या करते, दशमलव पांच लिखते, नीचे दशमलव जीरो छः लिखते। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर दशमलव एक अंक बाद दशमलव लगाना है, यानी इसका मतलब है एक नीचे एक जीरो आया है। अब यहाँ पे दो अंक बाद लगा हुआ है, इसका मतलब यह है गुणा का निशान लगा करके ऊपर जाएगा, तो कितने अंक हैं, दो, तो यहाँ पे हो जाएगा सौ। ऐसे कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह है पांच बटे छह और गुणित सौ बटे दस, इसको काट दो दहम का सौ। ठीक, तो ये हो गया कितना, पचास बटे छह, अगर काटना चाहो तो काट दो, ये पच्चीस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, इन कहने मतलब पच्चीस बटे तीन। इस तरीके से भाग कर सकते हैं, और भाग करने मत और भाग कर सकते हैं, आएगी एक्चुअल में वैल्यू कितनी, तीन से भाग करेंगे पच्चीस को। ठीक, तो कितना हो जाएगा, तीन बटे चौबीस, और एक यहाँ पे बचे कितना, एक बचेगा दशमलव खिलाएंगे, जीरो होगा, तीन तरह का नौ, तीन तरह का नौ, यहाँ पे कितना बचेगा, फिर तीन तरह का नौ, एक बचेगा। ठीक, फिर जीरो हो जाएगा, फिर तीन तरह का, यानी आठ दशमलव तीन तीन, इस तरीके से आता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने भिन्न, आई थिंक मैंने अपने अकॉर्डिंग भिन्न और दशमलव के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी भी टॉपिक पे अगर आपको थोड़ा सा असहजता महसूस होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जैसा कि मैंने कल बताया भी हुआ था, आप लोग पर्सनल भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने नंबर दिया हुआ था इधर लिख देते हैं, 7355325987। ठीक, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, 7355325987 पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बहुत ही जल्दी, और उसको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।